तो हाय फ्रेंड, मैं फिर से लेके आ गया हूँ। फ्रेंड आप देख रहे हैं आशीष गेमिंग वर्ल्ड। फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ गया हूँ, जिसमें से पहला ही अपडेट देख के आप हैरान हो रहे हो। यहाँ पे आपको फ्री में गैरेंट का स्किन मिलेगा, और क्या टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको ये फ्री में गैरेंट का स्किन मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि आपको ब्लूप्रिंट जो मिलने वाला, जो करंट हमारा इंक्यूबेटर का जो ब्लूप्रिंट चल रहा है, जो बंडल मिल रहा है इंक्यूबेटर में, उसका ब्लूप्रिंट आपको फ्री में मिलने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके बारे में बात करें कि यहाँ पे आपको रैंक मैच के अंदर रीसेट होने देखने को मिलेगा। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे रैंक मैच फिर से स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि जो हमको मेल और फीमेल का जो स्कॉप और मार्क्स मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो को बने रहेंगे तो आपको बताएंगे। और यहाँ पे कुछ नए गन के कैरेट सब आने वाले हैं, उसका एट्रीब्यूट्स दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बने रहिएगा हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो पहले यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का मतलब रैंक सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर, तो फिर यहाँ पे आपका रैंक सीजन रीसेट होने वाला, मतलब दोबारा शुरू से स्टार्ट होगा। जो भी बंदे ग्रैंड मास्टर में है, डायमंड वन में है, हीरोइक में है, प्लेटिनियम में है, तो सभी के सभी बंदे कल ब्रॉन्ज में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए अपडेट था, क्योंकि बहुत बंदे कल सोचेंगे भाई हमारा रैंक कैसे डाउन हो गया, भाई हमको ब्रॉन्ज में क्यों पहुँचा दिया। तो सभी बंदे का यही क्वेश्चन है कि भाई मैं डायमंड से हीरोइक में था, ग्रैंड मास्टर में था। ग्रैंड मास्टर वाले बंदे तो नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर हीरोइक वाले बंदे पूछते हैं, और डायमंड वन के बंदे पूछते हैं कि हम ब्रॉन्ज में कैसे पहुंच गए। तो ये छोटा सा अपडेट था, मैं सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बंदे घबरा जाते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, इसीलिए चलो आपको अपडेट दे दिया। तो इसी को एक लाइक कर देना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा हमारा, तो फ्रेंड ये जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट फ्री में मिलने वाला। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे ब्लूप्रिंट फ्री में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रूबी चाहिए होगा और 3 इवोल्यूशन स्टोन चाहिए होगा, जिससे कि आप एक ब्लूप्रिंट ले सकते हो। अब सभी बंदे का क्वेश्चन यही रहे कि भाई हमको रूबी कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड अगर आप मेरे डेली सब्सक्राइबर हो और डेली वीडियो को वॉच करते हो, तो फ्रेंड यहाँ पे मैं टॉपअप इवेंट के बारे में टॉपअप करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको पता है कि हमको एक रूबी मिलता है टॉपअप में, जहाँ पे आपको 100 डायमंड का मिलता है, कभी 500 डायमंड मिलता है। तो फिर आपको हो सकता है कि हमारा जो टॉपअप इवेंट आएगा, उसमें आपको फिर से रूबी देखने को मिल सकता है, अगर मिल जाएगा तो, जिसमें आपको फ्री में ब्लूप्रिंट मिलेगा। और ये बहुत बड़ा अब इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, तो एक लाइक जरूर बनता है यार, बहुत अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि ये इवेंट बहुत बार आया हमारे टॉपअप इवेंट में, आपको पता है। और रूबी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आया, एक बार नहीं आया, बहुत बार आया। हमारा नेक्स्ट जो इनक्यूबेटर आया था, जो दो ठो बंडल आया था, दोनों में आया था ये रूबी वाला इवेंट, जिसमें टॉपअप में आया था खासकर। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा खास लगा मुझे, तो सोचा कि चलो आपको बता देते हैं, तो ठीक है लाइक कर देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर हम लोग। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जहाँ पे आपको ग्रेनेड फ्री में मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे 12 किल करते हो, तो आपको यहाँ पे ग्रेनेड का स्किन मिल जाएगा, जो बहुत बेहतरीन बात है और बहुत अच्छा अपडेट है। और ये ग्रेनेड का स्किन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इसका एनिमेशन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक ठाक है, उतना भी खास नहीं है, बट बेहतरीन है मैं आपको बोलूँगा। और इसका जो फेंकते समय जो इलेक्ट्रिक निकलता ना, वो ज़्यादा कूल लगा मुझे। तो अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फ्री में आता यार मज़ा ही आ जाएगा मुझे तो, बहुत खास कर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर अपना। फ्रेंड मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि बहुत सारे में लॉगिन रिवॉर्ड में मार्क्स दिया जा रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मुझे क्लेम करने का ऑप्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन दिखाने के बाद यहाँ पे मैंने क्लेम कर चुका हूँ, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये मार्क्स बहुत ज़्यादा कूल लगा, बट सभी बंदे को मिल जाएगा तो रेयर आइटम तो रहेगा नहीं, बट जो नॉर्मली बंदे जिसके पास बंडल नहीं रहते या मार्क्स नहीं रहता, ये लेके खेल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कूल लगा मुझे, ठीक है। तो बहुत प्रीटी है, बहुत ज़्यादा प्रीटी यार कसम से। और आपको यहाँ पे जो और भी सारे रिवॉर्ड है आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी आपको फ्री फायर के अंदर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फीमेल का जो स्कार्फ है, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये पैरासूट आपको ऑलरेडी हमको इसमें मिल गया चार्जी टी इवेंट में, बट ये स्कार्फ अभी तक हमको नहीं मिला है, बट अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर कि ये स्कार्फ कैसे मिलेगा, बट ये श्योर हूँ कि आपको स्कार्फ ज़रूर मिलेगा, और मेल का जो वो भी जो मार्क्स है वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप घबराओ मत, टेंशन मत लो कि कब आएगा, कब आपका भाई यहीं बैठा हुआ है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिलता है, मैं आपको तुरंत ही इंस्टेंटली आपको कम्युनिटी पोस्ट नहीं तो स्टोरी टैब में डाल के बता दूंगा आपको, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड आपको जो मुझे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा जो परमानेंट गन का स्किन मिल रहा है, XM8 का और A94 कुछ नाम है, वो जो गन का स्किन मिल रहा है, वो हटने के बाद आपको ये सब इवेंट देखने को मिलेगा, जो भी हमको मेल और फीमेल का जो बंडल मिलने वाला है उसके बाद ही देखने को मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन निकल के रहा है कोई पता नहीं है, अगर कल भी आ सकता, क्योंकि ये इवेंट जल्दी आपको हटने को देखने को मिल जाएगा, 3 तारीख या 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा ये इवेंट। फिर उसके बाद आप इजीली ये इवेंट आने के बाद आराम से हम लोग बताएंगे सभी अपडेट क्लियर,
कब कब आएगा, कब कब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई लोगों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। फ्रेंड मैंने कल ही आपको एक गन के बॉक्स दिखाए थे जिसमें बहुत सारे गन थे, M4 AWM और VSS का स्किन था, तो उसका एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पता था, तो फाइनली आज मुझे पता चल गया, तो इसलिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। इसमें आपको एक डैमेज देखने को मिलेगा और एक एक्यूरेसी देखने को मिलेगा और रिलोड स्पीड माइनस देखने को मिलेगा, और ये लेजेंडरी नहीं है, ठीक है। पहले आपको बता रहा हूँ लेजेंडरी नहीं है, कोई टेंशन लेने की नहीं है जरूरत, ठीक है, और ये लेजेंडरी नहीं है। और यहाँ पे M14 का रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको AWM में एक डैमेज और मैगजीन प्लस देखने को मिलेगा और रेंज माइनस देखने को मिलेगा, तो ये उतना भी खास नहीं है बोल सकते हो AWM, ठीक है। और यहाँ पे VSS में आपको VSS में दो डैमेज देखने को मिलेगा और एक मैगजीन माइनस देखने को मिलेगा, जो अच्छी बात है यार, VSS में ऐसे ही भी बहुत कम डैमेज देता, अगर इसका डैमेज बढ़ा दिया तो मतलब ओपी गन बोल सकते हो। और उसके बाद अटैचमेंट भी लगा दिया जाएगा VSS का, तो भाई खतरनाक यार, मतलब फटाका हो जाएगा, फटाका बम जैसा फटाका बन जाएगा VSS, ठीक है। तो ये अपडेट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत मज़ेदार मुझे अपडेट सब मिले थे, तो जिसके साथ मैं आपको शेयर कर दिया हूँ, जितना भी न्यूज़ मिला सभी आपको अपडेट दे दिया हूँ। और ये शायद जल्दी आपको गन के स्किन ये जितने भी अपडेट है जल्दी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डरो मत भाई आपका, ठीक है, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।